चले आइए, एक बहुत शानदार चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, जरा पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है क्या, जरा सुनिए पहले। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, टर्म है फॉर रिगार्डिंग सेल, माल बेचने के तरीके को बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि सर मतलब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मान लीजिए दो पार्टीज इन्वॉल्व है, मान लीजिए दो आदमी है, एक है राम, ये दिल्ली बेस्ड मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है और ये दिल्ली का मैन्युफैक्चरर है, ये दिल्ली में रहकर सारा माल बेचता है, इसका सारा गोडाउन दिल्ली में है, शोरूम दिल्ली में है, सब कुछ दिल्ली में, दिल्ली से सारा काम करता है। इसने सोचा क्यों ना यार दिल्ली से बाहर जाके चंडीगढ़ में, करनाल, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, दूर के स्टेट्स में भी जाया जाए। अगर दिल्ली से बाहर निकलोगे, बिजनेस को ग्रो करोगे, तभी तो बड़े बनोगे। तो सोचा क्यों ना दिल्ली से बाहर जाया जाए, पंजाब, चंडीगढ़ जाया जाए। अब इसके पास दो ऑप्शन है, पहला चंडीगढ़ में नया सेटअप खोले, दोबारा से शोरूम, दोबारा से सब कुछ और सारा माल बेचे, या दूसरा एक छोटा तरीका भी है, पता है क्या, इसने एजेंट को हायर किया। मान लीजिए ये है मोहन, ये मोहन भैया हमारे एजेंट है, इसको हायर किया, ये चंडीगढ़ के अंदर है, ये चंडीगढ़ में है, इस मोहन को हायर करा, इसे बोला मैं तुझे गुड्स सेंड करूंगा, मैं तुझे गुड्स भिजवाऊंगा, तू इस गुड्स को आगे सेल करियो कस्टमर को, सेल टू कस्टमर, और जो भी कस्टमर से कलेक्शन हो, जो भी कस्टमर से पैसा आए, वो पैसा मुझे सेंड कर दियो। इसका मतलब ये गुड्स सेंड करेगा मोहन को, मोहन कस्टमर को बेचेगा, और जो पैसा आएगा वो सारा सारा राम को मिलेगा, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा मोहन का, सॉरी राम का। राम कौन है बताइए, रियल ओनर ऑफ द गुड्स, गुड्स का असली मालिक कौन है, राम है, मोहन मालिक नहीं है, मोहन एजेंट है, इसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगी। बिल्कुल सही जवाब, पता है आपको, इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। उसके अंदर जो ये राम है ना, ये राम जो है, ही इज दी कंजाइनर, इसको कंजाइनर बोलते हैं, जो गुड्स का असली मालिक होता है, और इसे बोलते हैं कंजाइनी, जो एजेंट होता है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक कंजाइनर और एक कंजाइन, जो गुड्स भिजवा रहा है वो कंजाइनर, जिसके पास पहुंच रहा है वो कंजाइनी, जो गुड्स आगे बेच रहा है वो कंजाइनी, लेकिन गुड्स का असली मालिक कौन, कंजाइनर। जो भी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, वो सब किसका, कंजाइनर का। कंजाइनी को क्या मिलेगी, सिर्फ कमीशन। मतलब यहां पर आपको ना सिर्फ दो टर्म याद रखना है, कंजाइनर और कंजाइनी, कंसेप्ट बेसिकली याद रखो। मतलब काम वही हो रहा है, मैं अपना माल बनाकर दिल्ली में चंडीगढ़ में भिजवा रहा हूं, चंडीगढ़ वाला आगे बेच रहा है, तो ये कंजाइनी है और दिल्ली वाला कंजाइनर है, पक्का। सारा नफा नुकसान इसका, प्रॉफिट लॉस सारा कंजाइनर का, कंजाइनी को क्या मिलेगी, सिर्फ कमीशन, ठीक है जी। ये पूरा टर्म है कंजाइनमेंट का। इस चैप्टर के अंदर ना आपको कुछ टॉपिक सीखने हैं, मैं आपको टॉपिक समझाता हूं। इस चैप्टर में लेजर बनाने हैं आपको, उस लेजर को बनाने से पहले आपको ये चार टॉपिक सीखने पड़ेंगे। अगर आपने ये चार टॉपिक सीख लिए तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। पहला, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन का प्रॉफिट सीखना पड़ेगा। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो रास्ते में नुकसान भी हो सकता है यार, उसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई कंजाइनी अगर सारा माल नहीं बेच पाया और कुछ माल बच गया तो उसकी कैलकुलेशन भी तो करेंगे। एंड लास्ट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर का प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा। ये चार टॉपिक सीखने हैं आपको। अगर आपने ये चार नोट बना लिए तो लेजर बनाना आसान। एक एक करके चलो मैं आपको ये नोट्स बनाना सिखाता हूं। आओ जरा पहले कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पे ही चलते हैं। जब कंजाइनर कंजाइनी को कमीशन देगा ना,
तो इस कमीशन के तीन टाइप होंगे। कंजाइनर जब कंजाइनी को कमीशन देगा तो तीन तरह की कमीशन दे सकता है। पहली कमीशन को बोलते हैं नॉर्मल कमीशन, या आप इसको ऑर्डिनेरी कमीशन भी बोल सकते हो। जब कंजाइनर कंजाइनी को कमीशन देगा ना, तो पहली कमीशन देगा नॉर्मल कमीशन। भैया जब वो माल बेचेगा तो उस पर नॉर्मल कमीशन दे देगा। ये किस लिए दी जाती है? फॉर सेल बाय कंजाइनी। कंजाइनी ने माल बेचा इसलिए दी जाती है। दूसरी कमीशन होती है डेल कार्डर। अब सुनो, जब कंजाइनी कमी सेल करता है तो कंजाइनी दोनों तरीके से माल बेच सकता है। जो मोहन था ना, मोहन कैश सेल भी कर सकता है, क्रेडिट सेल भी कर सकता है। तो जो ये नॉर्मल कमीशन मिलती है ना, ये कैलकुलेट होती है ऑन टोटल सेल। ये टोटल सेल पे कैलकुलेट होती है, जितनी टोटल सेल करी उस पे कैलकुलेट हो जाती है ये कमीशन। अब कैश सेल भी करी, क्रेडिट सेल भी करी। अब आप भली भांति जानते हैं, अगर आप उधार पे माल बेचते हो तो भैया बैड डेप्ट होने के चांसेस होते हैं। और गुड्स का असली मालिक कौन है बताना? कंजाइनर। और अगर बैड डेप्ट हुआ तो नुकसान कौन झेलेगा? कंजाइनर झेलेगा, गुड्स का असली मालिक तो वही है। तो उस बैड डेप्ट से बचने के लिए डेल कार्डर दी जाती है। मतलब हमने मोहन को कहा कि मोहन एक काम कर, हम तेरे को 5% कमीशन तो नॉर्मल दे रहे हैं, 2% एक्स्ट्रा कमीशन ले ले, लेकिन एक शर्त है, ये जो एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं ना, अब अगर बैड डेप्ट हुआ तो नुकसान तू झेलेगा। इसका मतलब ये जो आप दूसरी कमीशन दे रहे हो ना, इसको कौन सी वाली? डेल कार्डर वाली। ये किस लिए दी जाती है? टू अवॉइड बैड डेप्ट लॉस, बैड डेप्ट के लॉस से बचने के लिए दी जाती है। और ये कैसे कैलकुलेट होती है? कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। ये भी टोटल सेल पे कैलकुलेट होती है, बट ये बैक डेट से बचने के लिए जाती है। अगर ये कमीशन दे रखी है कंजाइनर ने बैक डेट से बचने के लिए डेल कार्डर, और बैक डेप्ट हो गया तो कंजाइनर को फर्क ही नहीं पड़ता, कंजाइनी झेलेगा। नहीं दे रखी तो फर्क पड़ता है, फिर उसका नुकसान। तीसरी कमीशन होती है ओवर राइडिंग कमीशन। ये किस लिए दी जाती है मैं बताता हूं। अब कंजाइनर ने कंजाइनी को माल भिजवाया और बोला भैया एक काम कर, ये ले 1000 यूनिट, एक यूनिट को 200 रुपए के हिसाब से बेचियो। प्राइस तो कंजाइनर तय करेगा, कंजाइनी उस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकता लेकिन ऊपर बेच सकता है। मतलब कंजाइनर ने बोला था ये ले 200 में बेचियो, अब कंजाइनी कम से कम 200 में तो बेचेगा, कम में नहीं बेच सकता। लेकिन अगर उसने ज्यादा में बेचा, मान लो 200 की जगह 280 में बेच दिया, 80 रुपीज ज्यादा कमा कर दिए, तो कंजाइनर को फायदा होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कंजाइनी बताएगा ही नहीं तो उस, और ऐसा नहीं करेंगे, कंजाइनी चोर नहीं है। हम ये मान लो रियल लाइफ में हो, हमें लेना देना नहीं, कंजाइनी वैसे चोर नहीं है। तो अगर कंजाइनी ने 80 रुपए ज्यादा कमा के दिए तो कंजाइनर खुश नहीं होगा, अरे वाह क्या बात है। तो कंजाइनर क्या करेगा पता है? कंजाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन देगा। ये कमीशन क्यों दी जाती है बताइए? टू प्रमोट सरप्लस सेल। ये इसलिए दी जाती है ताकि सरप्लस सेल करे कंजाइनी, ज्यादा में बेचे। और ये किस पे कैलकुलेट होती है? कैलकुलेटेड ऑन सरप्लस सेल। ये कैलकुलेट भी सरप्लस सेल पे ही होती है। तो तीन तरह की कमीशन हो गई, बताओ तीन तरह की कौन कौन सी? एक नॉर्मल कमीशन, एक डेल कार्डर कमीशन और एक ओवरराइडिंग कमीशन। मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आ जाए। जैसे इधर आओ, चीची नंबर 1। ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, किसी किताब का नहीं है, इसलिए जीजी नाम रखा है मैंने इसका। क्वेश्चन समझो, राम कंजाइंड 10,000 यूनिट टू मोहन, कॉमा टू बी सोल्ड एट ₹50 ईच। राम ने 10,000 यूनिट मोहन को भिजवाई और बोला 50 के हिसाब से बेचियो। मोहन अलाउड 3% नॉर्मल, 2% डेल कार्डर एंड 5% ओवर राइडिंग कमीशन।
हमने राम ने मोहन को बोला तुझे 3% नॉर्मल मिलेगी, 2% डेल कार्डर और 5% ओवर राइटिंग कमीशन। मोहन ने बोला ओके जी थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। मोहन सोल्ड 6000 यूनिट इन कैश एट द रेट 70 पर यूनिट एंड 4000 यूनिट ऑन क्रेडिट एट द रेट 90 पर यूनिट। कैलकुलेट कमीशन। अब 10,000 यूनिट भिजवाई थी कंजाइनर ने कंजाइनी को और बोला था 50 के हिसाब से बेचियो, 3% नॉर्मल कमीशन दूंगा, 2% डेल कार्डर दूंगा, 5% ओवरराइडिंग। मोहन ने 6000 यूनिट कैश में बेची 70 के हिसाब से और 4000 यूनिट उधार में बेची 90 के हिसाब से। आपसे कह रहे कमीशन निकालो, अब मैं आपको उसकी कमीशन निकाल दिखाता हूं। आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूं स्टेप्स याद रखिएगा, स्टेप्स दिखाता हूं मैं आपको, आप मेरे स्टेप्स याद रखना। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, आप मेरे स्टेप्स याद रखना जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं। सबसे पहला काम आपको मेरे लिए क्या करना है, क्या आप मुझे कैश सेल्स बता सकते हो, कंजाइनी ने कितनी कैश में माल बेचा बताओ। क्वेश्चन में याद होगा आपको 6000 यूनिट बेची थी 70 के हिसाब से, कितनी कैश सेल करी जरा देखें। 6000 यूनिट इंटू 70, 4,20,000। क्रेडिट सेल कितनी करी, क्रेडिट सेल 4000 यूनिट 90 के हिसाब से, 4000 यूनिट इंटू 90 3,60,000। टोटल सेल 780, ये उसने टोटल सेल करी कैश प्लस क्रेडिट। मैंने क्या निकाला, कैश में क्या बेचा, क्रेडिट में क्या बेचा, नॉर्मल है। क्या आप मुझे सरप्लस सेल बता सकते हो, सरप्लस यानी कंजाइनी ने हमारे कहे गए प्राइस से ज्यादा में कितने में बेचा। अगर आप ध्यान दें तो 50 रुपए में बोला था बेचने के लिए, तो उसने क्या करा 6000 यूनिट जो उसने बेची वो 70 की बेची और हमने कहा था 50 में बेचियो, तो भाई ने 20 रुपए ज्यादा कमा के दिए। और 4000 यूनिट जो बेची है 90 में बेची है और हमने 50 कहा था यानी 40 ज्यादा कमा के दिए। 6000 यूनिट पे 20 रुपए ज्यादा 1,20,000, 4000 पे 40 ज्यादा 160, जोड़ के उसने हमें 2,80,000 रुपए ज्यादा कमा के दिए। तो मैंने टोटल सेल भी निकाल ली, मैंने सरप्लस सेल भी निकाल ली। अब मेरा तीसरा और आखिरी काम सुनो, अब मैं निकालूंगा कमीशन। आप मुझे नॉर्मल बताओ पहले, नॉर्मल नॉर्मल कैसे निकाली जाती है। नॉर्मल उसने मुझे बोला है उसको कितनी देनी है भाई, नॉर्मल 3% देनी है। नॉर्मल निकलती है टोटल सेल पे, मैंने लिखा भी था 7,80,000 का 3%। टेल कार्डर ये देनी है 2% और ये भी किसमें निकलती है टोटल सेल पे, 780 का 2%। और तीसरी है ओवरराइडिंग, ये निकलती है सरप्लस सेल पे 280 का 5%। बस ये तीनों कैलकुलेट कर लीजिए, आपका काम आसान। 780 का 3% 23,400, 780 का 2% 15,600 और 280 का 5% 14,000। ये है आपकी टोटल कमीशन, यानी कंजाइनर कंजाइनी को इतनी कमीशन देगा। देखो मैंने कैसे निकाली, पहले मैंने कैश सेल ली, फिर क्रेडिट सेल ली, फिर टोटल सेल आई, फिर सरप्लस सेल निकाली, फिर उसमें कमीशन निकाल दी सब पे। नॉर्मल कमीशन ली मैंने किस पे, टोटल सेल। टेल कार्डर किस पे ली, टोटल सेल। ओवरराइडिंग किस पे ली, सरप्लस। ये देखो ये लिखा था मैंने ऊपर भी,
तो ये है कमीशन निकालने का तरीका, हमारा पहला नोट कमीशन निकालने का तरीका। मैं आपको पहले तीनों नोट धीरे धीरे समझाता हूँ, फिर सीधा बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। ये है हमारा कमीशन निकालने का तरीका। अब मैं आपको एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन दिखाता हूं, पहले मैं इसको सेव कर देता हूं। मैं आपको आगे लेके चलता हूं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब आप भली भांति जानते हो जब एक जगह से दूसरी जगह माल जाएगा तो रास्ते में माल के खराब होने के चांसेस भी हैं। माल खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, बेकार हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो लॉस हो सकता है ना। लॉस दो तरह का हो सकता है, ध्यान से देखिए, लॉस दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है नॉर्मल लॉस और एक हो सकता है एबनॉर्मल लॉस। याद रखना, चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, झेलेगा कंजाइनर। कंजाइनी नहीं, गुड्स का असली मालिक कौन है? कंजाइनर। तो लॉस कौन झेलेगा? कंजाइनर झेलेगा। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस पता क्या होता है? एक ऐसा लॉस जो गुड्स की नेचर की वजह से होता है, मतलब ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का नेचर ही ऐसा है कि वो नुकसान होगा ही होगा यार। आप एक जगह से दूसरी जगह फल और फ्रूट ले जाओ, वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो लोडिंग अनलोडिंग होते समय कुछ माल तो खराब होगा ही होगा। आप कितना भी अच्छे से पैक कर लो, कुछ खराब होगा। गुड्स का नेचर ऐसा है, कांच का सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा खराब हो जाएगा, नेचर ऐसा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, लिक्विड प्रोडक्ट्स, जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो कुछ ना कुछ लीक करेगा, ये नेचर ऑफ गुड्स है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस होता है ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज। अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, चोरी हो गई, इस वजह से एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस जबकि नेचर की वजह से होता है ना, इसलिए नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। आपको नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, उसका बर्डन बाकी गुड्स पर आ जाता है, बचे हुए गुड्स पर आ जाता है, इसलिए नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। कैसे करते हैं मैं बताता हूं, मेरे पास इसका एक फॉर्मेट है, आप वो फॉर्मेट सीखो। यूनिट अमाउंट, ये फॉर्मेट है। एक हाइपोथेटिकल फिगर भी ले लेंगे, हाइपोथेटिकल फिगर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज इसमें लेते हैं गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट भिजवाई गई और एक यूनिट थी 50 की,
10,000 यूनिट भिजवाई और मान लीजिए एक यूनिट थी 50 की, तो 10,000 × 50 यानी 5 लाख रुपए का माल गया कंजाइनर के पास से पास से। अब आपको पता है अगर मान लीजिए आपने कोई यूनिट भिजवाई और आपने उसके ऊपर खर्चा करा, तो जब गुड्स खराब होता है ना तो खाली गुड्स का मेन वैल्यू खराब नहीं होती, उसमें खर्चे करने की वजह से भी वो चीज खराब होती है। समझे नहीं मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, मान लो मैंने ये OnePlus 7T मोबाइल फोन खरीदा, मैंने ये 40,000 का फोन खरीदा। अब मैंने फोन खरीदते इसके ऊपर ना एडिशनल खर्चे करने शुरू कर दिए, मैंने इसके ऊपर वो 5,000 का कोई बढ़िया सा स्क्रीन गार्ड लगा लिया, पीछे 10,000 का गोल्ड कवर लगवा लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इसमें 5,000 का स्क्रीन गार्ड लगाया, 10,000 का पीछे गोल्ड कवर लगवाया, टोटल मैंने 15,000 इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च कर लिए। प्लस ना मैंने इसका एक एडिशनल कैमरा भी ले रखा है, इसका एडिशनल कैमरा जो यहाँ पे ऐसे सेटअप हो जाएगा अलग से फोटो खींचेगा, 10,000 का वो था। अब सुनो जरा, मैंने 40,000 का फोन खरीदा, 5,000 का स्क्रीन गार्ड लगवाया, 10,000 का पीछे मैंने क्या लगवाया, गोल्ड वाला कवर, ठीक है जी। टोटल मैंने इस पे कितने खर्च कर चुका हूं, 15,000 रुपए। मेरी नजर में देखा जाए तो बताओ ये 40,000 का फोन, 40,000 का फोन मेरे लिए टोटल मिलाकर 55 का हो चुका है। बताओ क्यों? मैंने इस पे 15,000 एक्स्ट्रा खर्च करे हैं, 40,000 पे 15,000, इसका मतलब आज अगर देखा जाए तो मेरे लिए फोन की वैल्यू 55,000 है। 10,000 का मैंने माइक खरीदा हुआ है, मतलब आई जस्ट ऑर्डर्ड एंड पेड ऑन डिलीवरी, मतलब पे कर रखा है, लेकिन मैंने अभी तक उस पर लगवाया नहीं, आया ही नहीं था। मान लीजिए गलती से फोन चोरी हो जाए, भगवान ना करे गलती से फोन चोरी हो जाए, बताओ अगर ये फोन चोरी होगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे 40,000 का नुकसान हुआ? नहीं, मैं बोलूंगा 55,000 का नुकसान हुआ। बताओ क्यों? जो 15,000 मैंने इस पे खर्च करे हुए थे वो भी तो खराब हो गए अब। और बताओ जो मैंने 10,000 का माइक अभी खरीदा है लेकिन लगाया नहीं था, क्या उसका भी नुकसान हुआ? नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि वो थोड़ी चोरी हुआ यार, उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो बताओ क्या क्या खाली फोन की ओरिजिनल वैल्यू खराब हुई है? नहीं। क्या खराब हुआ बताना? फोन के ओरिजिनल वैल्यू के साथ उस पे किए गए खर्चे का भी नुकसान होता है। तो एबनॉर्मल लॉस निकालते समय फॉर्मेट देखो, गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट में ऐड कर देना एक्सपेंसेस अप टू लॉस, लॉस होने तक के जितने खर्चे हो वो सब इसमें ऐड कर देना, लॉस होने तक के खर्चे। फॉर एग्जाम्पल लॉस होने तक के खर्चे हैं मान लो 70,000, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन ये सब करने तक के खर्चे 70,000 रुपए हैं, मेरे 70,000 लग चुके हैं टोटल बताइए। मतलब इस 10,000 यूनिट की वैल्यू अब है 5,70,000 रुपए। अब आपको क्या करना है जरा समझो, आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना है। मान लो इस 10,000 में से 500 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला देखो, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में एबनॉर्मल लॉस यूनिट, ये तो हो गया अंग्रेजों वाला फॉर्मूला, मेरे को ना था, मैं देती हूं। मतलब आप मुझे बताओ इस 10,000 यूनिट की वैल्यू है, इस 10,000 यूनिट की वैल्यू है 5,70,000, इस 10,000 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू के लिए इसको 10,000 से डिवाइड कर लो, एक किया जाएगी, और 500 खराब हुए तो 500 से मल्टीप्लाई। मतलब सर मतलब आप देखो ना, अगर 5,70,000 10,000 यूनिट की वैल्यू है तो जैसे ही मैं इसे 10,000 यूनिट से डिवाइड करूंगा एक की वैल्यू आ जाएगी, और मेरी कितनी यूनिट खराब हुई है बताना? 500 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो सर जी प्रोपोर्शनेट करके निकाल लो ना, इनटू 500 यानी 28,500 का टोटल लॉस हुआ। ये मेरा फॉर तरीका है निकालने का, याद रखना एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से की जाएगी। ये मेरा फॉर्मेट है, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना मॉडल के, तो देखना उन्होंने अलग तरीके से करा हुआ, आंसर सेम आएगा लेकिन उनका तरीका अलग मेरा तरीका अलग, मेरा शानदार तरीका है। ये है एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। चलो मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक पे लेके चलता हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। तीसरे पार्ट का
कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन। अब मुझे बताओ, कंसाइनी के पास अगर कोई माल बच गया जो वो बेच नहीं पाया, अनसोल्ड पड़ा है, तो वो कंसाइनर का ना यार, कंसाइनर उसको अपने पास रखेगा। अब उसको जब वो अपने पास रखेगा तो कैलकुलेट कैसे करेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, मैं बता रहा हूं। जैसे जैसे आप गुड्स पे खर्चा करते जाते हो ना, गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, हमने फोन वाले एग्जाम्पल से सीखा। तो खर्चे ना दो प्रकार के होते हैं, यहां समझो आप, यहां खर्चे दो प्रकार के हैं इस चैप्टर में। एक वो खर्चा जो पेड बाय कंजाइनर है। अब आप खुद सोचो, मैं कंजाइनर हूं, दिल्ली में बैठा हुआ हूं, और दूसरा है चंडीगढ़ में बैठा हुआ मोहन नाम का कंजाइनी। अब यहां से वहां माल अपने आप तो पहुंच नहीं जाएगा उड़ के, या मेरे पास कोई डोरेमोन तो है नहीं जो एनी वेयर प्योर खुला भेज दिया, वो तो है नहीं, बढ़िया आदमी था ना वो, अजीब सी बिल्ली, वो भी नहीं है मेरे पास कोई। तो मेरे को कंजाइनी के पास माल भिजवाने के लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा, ट्रक में डलवाना पड़ेगा। क्या क्या खर्चा कर सकता है कंजाइनर आपके हिसाब से, पता है मैं बताता हूं कंजाइनर क्या खर्चा कर सकता है। कंजाइनर खर्चा करेगा लोडिंग का, माल को की लोड करवाना ट्रक टेम्पो वगैरह में, ट्रांसपोर्टेशन का, रास्ते में टैक्सेस और अदर एक्सपेंस, कुछ भी हो सकता है खर्चा, कंजाइनर ये सब खर्चा करेगा। आपको पता है कंजाइनर ने जितना भी खर्चा कराना कंसीडर एज डायरेक्ट एक्सपेंस। कंजाइनर जो भी खर्चा करे उसे डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे हमेशा हमेशा। कंजाइनर एक भी खर्चा करेगा तो वो डायरेक्ट माना जाएगा। सर जी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मैं बताता हूं। एक्सपेंस को दो कैटेगरी में बांटा इन्होंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कंजाइनर के सारे डायरेक्ट, कंजाइनी जो खर्चा करेगा ना उसमें से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग करने पड़ेंगे। डायरेक्ट वो होते हैं एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ऑन गुड्स, वो खर्चे जो आपने गुड्स के ऊपर करे हो। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ऑन सेल्स, जो आपने सेल्स पे करे वो इनडायरेक्ट। मैं बताता हूं कंजाइनर के तो सारे डायरेक्ट है, कंजाइनी में सारी बात करते हैं। तो कंजाइनी क्या खर्चा करेगा भाई, चंडीगढ़ माल पहुंचा उसकी अनलोडिंग कराएगा। अनलोडिंग किसकी करा रहा है, गुड्स की करा रहा है ना, तो अनलोडिंग क्या हो गया बताओ हमारा, डायरेक्ट। भाई गुड्स की तो अनलोडिंग कराएगा, ड्राइवर की थोड़ी कराएगा। ट्रांसपोर्टेशन, भाई वहां से गोडाउन तक लेके जाएगा, रास्ते में कोई टैक्सेस कटे ये भी डायरेक्ट। वहां गोडाउन में पहुंचा, गोडाउन का रेंट, गोडाउन का रेंट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। क्यों, गोडाउन में पड़ा हुआ माल की गुड्स के ऊपर थोड़ी हो रहा है वो, भाई आपको भी माल तो पड़ा है भाई, जब माल नहीं पड़ा होता थोड़ी तो रेंट जाता है, तो गुड्स के ऊपर नहीं होता गोडाउन, फिक्स्ड नेचर का होता है वो। गोडाउन रेंट के अलावा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, भैया वो तो सेल के लिए कर रहा है। सेलिंग एक्सपेंस, माल बेचने के लिए जो खर्चा करा, कमीशन जो देगा वो सेल एजेंट को, टू सेलिंग एजेंट, है ना जी। और क्या खर्चा कर सकता है ये, अदर एक्सपेंस अगर इसने कोई करे तो, ये सारे इनडायरेक्ट नेचर के हैं। मतलब कंजाइनर के लिए तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना ही है, कंजाइनर के सारे डायरेक्ट होते हैं। कंजाइनी के लिए बेटा ध्यान रखना, कंजाइनी के डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट वो जो गुड्स पे किए जाए, इनडायरेक्ट वो जो उसने गुड्स के लिए सेल के लिए करे। अब मैंने इसको अलग अलग क्यों कराया, क्योंकि मैं आपको ना फॉर्मेट दिखाता हूं क्लोजिंग स्टॉक का, फॉर्मेट कैसे, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, सेम फॉर्मेट है जैसे हमने फॉर्मेट क्लोजिंग का अब नॉर्मल का किया था, बट इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। चलो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, बताओ कंजाइनमेंट में कितनी यूनिट गई, फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट गई 50 के हिसाब से 5,00,000 रुपए, ठीक है जी। फिर इसमें आपने वहां एबनॉर्मल के समय ऐड किया था एक्सपेंस ऑन अप टू लॉस, यहां कोई एक्सपेंस अप टू लॉस नहीं है, यहां आपको ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर के डायरेक्ट। और मैंने क्या बताया, कंजाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल कंजाइनर के खर्चे थे 70,000 के, फॉर एग्जाम्पल कंजाइनर के खर्चे थे 70,000 के, ठीक है जी। फिर आप इसमें ऐड कीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी। अच्छा, कंजाइनी ने खर्चा करा मान लो 1,00,000 का, जिसमें से 60,000 डायरेक्ट है, 40,000 इनडायरेक्ट है, लेकिन हम यहां पे खाली 60 लेंगे, 40 नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेना है हमें। इसमें से माइनस कीजिए एबनॉर्मल लॉस, ये फॉर्मेट याद रखना। हमारे वाले क्वेश्चन में 500 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसकी वैल्यू 28,500 हमने निकाली थी पिछले नोट में, याद हुआ। माइनस कीजिए नॉर्मल लॉस अगर कोई हुआ है तो, मान लो नॉर्मल लॉस हुआ 200 यूनिट का, लेकिन नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, याद है ना, नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। टोटल बताओ 10,000 यूनिट में 500 यूनिट का एबनॉर्मल, 200 यूनिट का नॉर्मल, 9,300 यूनिट्स हमारी बची। वैल्यू निकालो 5,00,000 में 70,000 प्लस 60,000 प्लस 28,500 माइनस 6,01,500, ये आई हमारी वैल्यू। चलो आओ निकालें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालने से पहले एक चीज, छोटी सी चीज दिखाता हूं, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट तो पता कर लो। देखो 10,000 यूनिट चली थी जो हमने सेंड की थी कंजाइनी को, 500 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, 9,300 बची, और मान लीजिए 8,000 यूनिट सोल्ड है, क्वेश्चन ने बताया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, मान लो सोल्ड है तो बताना बची कितनी। 10,000 में से 500 खराब, 200 खराब, 8,000 बच गई, 1,300 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है हमें, 1,300 यूनिट्स अभी भी बची हुई हैं, अभी भी बची हुई हैं। अब क्या करो आप, बड़ा आसान सा तरीका है, बहुत आसान, आप वही करो जो मैंने आपको एबनॉर्मल के साथ सिखाया है। फॉर्मूला लगाओ टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट, अमाउंट का टोटल 601,500, यूनिट का टोटल 9,300 यूनिट, और क्लोजिंग स्टॉक में बची थी 1,300 यूनिट। निकालिए फॉर्मूला, 601,500 डिवाइडेड बाय 9,300 यूनिट मिलता है 1,300, हमारा आंसर 84,081। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक को निकालने का तरीका है। फॉर्मेट याद कर लो, मेन कहानी फॉर्मेट की है। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, जितना माल कंजाइनमेंट में भिजवाया, ऐड करें हमने कंजाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐड करें कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके अंदर हमने माइनस किया एबनॉर्मल लॉस, माइनस किया नॉर्मल लॉस, हमारे पास टोटल आ गया, हमने निकाल ली कितनी यूनिट क्लोजिंग स्टॉक की अभी बची हुई है, फिर फॉर्मुला लगा दिया टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, हमारा आंसर आ गया क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ। मैंने तीन चीजें निकाल दी भाई आपको, कमीशन, एबनॉर्मल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट अभी नहीं दिखाया, वो सीधा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा आपको कैसे निकालते हैं। तो ये तीन नोट तो बहुत जरूरी है जो आपने मेरे साथ करे, और मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन से क्लियरिटी आएगी आपको। ये आपके मॉड्यूल का पार्ट है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 मॉड्यूल। एक्स लिमिटेड गुजरात वाले ने 5,000 साड़ियां खरीदी 100 रुपए वाली, पड़ के हिसाब से हमें कह रहे हैं जरा आउट ऑफ दी, उसमें से 3,000 साड़ियां उसने कंजाइनमेंट में भिजवा दी। अच्छा, यानी एक्स भैया हमारे कंजाइनर हैं। अच्छा जी, चलो जी, किसको भिजवाई, वाई ऑफ कलकत्ता को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वाई भैया हमारे कंजाइनी हैं, और 150 रुपए में बोला बेचने के लिए। कंजाइनर ने 5,000 के खर्चा करा, कंजाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट,
वाई वाले ने 2500 साड़ियां बेची 160 के हिसाब से, 3000 आई थी, 2500 बेच ली, 500 रुपए का खर्चा करा उसने, बट ये सेलिंग एक्सपेंस है, तो बताओ कंजाइनर का खर्चा ये 500 इनडायरेक्ट है, 2.5 लाख रुपए उसने कंजाइनर को भिजवा दिए, उसे 5% कमीशन मिलेगी टोटल सेल पे, जितनी उसने सेल करी उसकी 5% नॉर्मल है, और 25% अगर उसने कोई सरप्लस कमा के दिया, यानी ओवरराइडिंग कमीशन 25%। 1500 यूनिट गुजरात में बेची, ये तो बेकार है हमारे लिए जानकारी, बताओ क्यों, ये कंजाइनमेंट में थोड़ी हो रही, डायरेक्ट बेची है उसने, आपसे कह रहा है ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस 5% लोअर करके चलना है। आइए जरा मैं आपको नॉर्मल कमीशन का दिखाता हूं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें लेकिन अब नॉर्मल लॉस नहीं है यार, मुझे नहीं ऐसा कुछ लॉस था इसमें, नॉर्मल लॉस ही नहीं, इसमें 3000 यूनिट गई थी, 2500 उसने बेच दी, फायदा गया, अब नॉर्मल लॉस तो है नहीं। नॉर्मल लॉस नहीं है इसमें, नॉर्मल लॉस नहीं है इसमें, बड़े लॉस नॉर्मल ये, हाँ इसमें लग रहा है, हाँ ये वाला करते हैं 12, इसमें अब नॉर्मल लॉस है, हाँ इसमें ये मजेदार है, चलो चलो ये वाला करेंगे 12, 10 मिनट में अब नॉर्मल लॉस नहीं था यार, फिर मुझे बार बार तुम जाना अलग अलग से कराना पड़ता, चलो 5000 शर्ट कंजाइन करी रिया राइस ज्यादा इन कंपनी ने जिंग को, क्या बात है भैया, राय ज्यादा साहब हो गए हमारे कंजाइनर और जिंग साहब हो गए हमारे कंजाइनी, चलो जी एट अ कॉस्ट 375 ईच, राय ज्यादा जी ने फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा करा 5000 और 50000 और 7500, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए कंजाइनर के, ड्यूरिंग ट्रांजिट रास्ते में 500 यूनिट वर डैमेज ऑन फायर, एबनॉर्मल लॉस हो गया जी हमारा, एबनॉर्मल लॉस, दिस इज abnormal loss, zinc took the delivery of remaining shirt, बताओ 5000 में से 500 खराब हो गई, 4500 पहुंची होगी, 72000 उसने कस्टम ड्यूटी के पे करे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई कंजाइन गुड्स पे तो करे, जिंक है सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रायजादा 2.5 लाख रुपए उसने एडवांस भिजवा दिया बेकार है, अब उसका 4500 शर्ट आई थी, उसने 4000 शर्ट जो है वो बेची है 500 के हिसाब से, भिजवाई कितने की थी 375 अच्छा थी, एक्सपेंस इनकर्ड बाय जिंग ऑन गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट का 10000, बट ये तो इनडायरेक्ट है, उसे कमीशन मिलेगी 5% सेल के ऊपर, डेल कार्डर वेल कार्डर कुछ नहीं है, ओवरराइडिंग कुछ नहीं है, एक कस्टमर है जिसको गुड्स क्रेडिट पे दिया था 25 शर्ट, बिकेम बैड डेट, पैसा नहीं दे रहा यार, कोई पैसा नहीं दे रहा आपसे, आपसे कह रहा प्रिपेयर दी कंजाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट ऑफिट निकाल के दिखाइए, बताओ इसके अंदर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, एबनॉर्मल भी है, कमीशन भी है, प्रॉफिट भी निकाल के दिखाऊंगा बढ़िया से, और क्वेश्चन है मैं बोला है लेजर बना के दिखाओ, मैं आपको लेजर बनाए बिना ये आंसर निकाल के दिखाऊंगा एज इट इज प्रॉफिट, लेजर बना के बिना दिखाऊंगा आपको मैं आंसर निकाल के, बिना लेजर बनाए दिखाता हूं कैसे करेंगे, बड़ा आसान तरीका, कौन सा 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12,
लाइन इसलिए खींची है क्योंकि मैं नोट्स इधर बनाऊंगा उधर लेजर बनाऊंगा। चलो सबसे पहला नोट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया कि उसने सेल करी है 4000 यूनिट, उसने बेची है 4000 यूनिट और वो भी 500 के हिसाब से, है ना, बट ये नहीं बताया कि कैश या क्रेडिट। तो मैं इसको सीधा टोटल सेल मान लेता हूं क्योंकि कैश क्रेडिट के बारे में जानकारी अलग है नहीं। टोटल सेल मैं सीधा टोटल सेल पे आ जाता हूं, कितनी यूनिट बेची हुई हमने 4000 यूनिट इंटू 500 की, सीधा 4000 यूनिट इंटू 500 सीधा 20 लाख हो गए। अब मेरे पास ना अलग अलग की जानकारी नहीं है कि क्या, और इस क्वेश्चन में ओवरराइडिंग कमीशन नहीं है, तो अगर ओवरराइडिंग कमीशन नहीं है तो मुझे सरप्लस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा कमीशन निकाल सकता हूं। भाई को कमीशन कितनी दी थी हमने, उसकी कमीशन है 5% सेल की, दैट्स ऑल, यानी उसकी कमीशन है 20 लाख का 5%, ये उसकी कमीशन 1 लाख रुपए, ये उसकी कमीशन है भैया। पहला नोट खत्म, अब हमें कमीशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, मेरा पहला नोट खत्म हो गया। नोट नंबर 2 आई है, एबनॉर्मल लॉस। मैंने बोला क्वेश्चन इसलिए करा क्योंकि उसमें एबनॉर्मल लॉस नहीं था, अननेसेसरी में फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती। एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको फॉर्मेट क्या सिखाया है, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। शुरुआत, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कितनी यूनिट भिजवाई थी क्वेश्चन में देखना, 5000 शर्ट भिजवाई थी, 375 थी, 5000 शर्ट 375 की, 18,75,000। इसमें हम ऐड करते हैं एक्सपेंस अप टू लॉस। ये देखो, कंजाइनर ने जब भिजवाया तो रास्ते में ड्यूरिंग दी ट्रांजिट लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है वो ड्यूरिंग दी ट्रांजिट हुआ है, ड्यूरिंग दी ट्रांजिट लॉस हुआ है। तो अगर ट्रांजिट में लॉस हुआ है तो कंजाइनर वाले खर्चे तो हो ही गए होंगे, कौन कौन से, फ्रेट के 50,000, इंश्योरेंस के 7,500, यानी 57,500। तब तक ये खर्चा हो चुका था 57,500, यानी 5000 यूनिट की टोटल वैल्यू हो चुकी है अब निकालते हैं एबनॉर्मल लॉस। मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया है, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में एबनॉर्मल लॉस यूनिट। अमाउंट का टोटल 1932,500, अगर 5000 यूनिट की वैल्यू है तो खराब हुई है 500 यूनिट, उसकी वैल्यू क्या होगी। मेरा आंसर आ रहा है 1,93,250। इतने का मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, इतने का एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, ठीक है जी। मेरा वाला फॉर्मेटिक हुआ जिससे मैंने कराया। अब थर्ड नोट आइए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले देख लो क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना,
क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में देख लेते हैं। भाई देखो 5000 यूनिट चली थी जो कंजाइनर ने भिजवाई थी, इसमें से 500 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 4000 यूनिट सोल्ड हो गई, नॉर्मल लॉस कोई है नहीं, तो यानी 500 यूनिट अभी भी बची हुई है एज अ क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी बढ़िया, अगर बची हुई है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर यूनिट शुरुआत कैसे करते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में गई है 5000 यूनिट और कितने की 18,75,000 के हिसाब से 18,75,000। फिर हम इसमें ऐड करते हैं, यहां पे फॉर्मेट याद है मैंने सिखाया था अभी अभी, इसमें ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, और कंजाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं 57,550 उसने लोडिंग पे खर्च करे थे, देखो फ्रेट और स्क्रैप एंड इंश्योरेंस पे। फिर कंजाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस पे 72,000 ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी के 10,000 नहीं लूंगा, 10,000 तो इनडायरेक्ट है, वो गोडाउन रेंट है। एड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी 72,000 माइनस करते हैं एबनॉर्मल लॉस, 500 यूनिट का हुआ और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू 193,250 अभी भी निकाली हमने 193,250 माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस, इस क्वेश्चन में तो हुआ ही नहीं, टोटल बता दीजिए जरा मेरे को, 4,500 यूनिट बची, 18,75,000 प्लस 57,500 प्लस 72,000 माइनस 93,250 इस 18,11,250। अब निकालता हूं जरा मैं क्लोजिंग स्टॉक फॉर्म सेम, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, अमाउंट 18,11,250 अगर 4,500 यूनिट की वैल्यू है तो 500 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मेरा आंसर आ रहा है 201,250 यानी 500 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक ये होगा, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ। तो देखिए मैंने सबसे पहले निकाला कमीशन, दूसरा निकाला एबनॉर्मल लॉस, तीसरा निकाला क्लोजिंग स्टॉक, अब मैं आपको इसका प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूं, चौथा नोट जो बनाते थे प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट, नोट नंबर 4 प्रॉफिट ऑफ कंसाइनर, कंजाइनर का प्रॉफिट निकालने का तरीका पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें यूनिट का कॉलम भी होगा, आइए अब आप भली भांति जानते हैं आपको किसी का भी प्रॉफिट निकालना हो, आपको किसी का भी प्रॉफिट निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है बताओ, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस में तो प्रॉफिट आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। कंजाइनर की नजर से तीन तरह की इनकम होती है, बोलो मेरे साथ कौन कौन सी तरह की इनकम होती है, तीन,
पहली टोटल सेल, दूसरी क्लोजिंग स्टॉक और तीसरा एबनॉर्मल लॉस। कंजाइनर के लिए तीन इनकम होती है, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ, कौन कौन सी? टोटल सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। अब आप पूछो सेल कैसे इनकम होती है, भाई कंजाइनी जो भी माल बेच रहा है बेच तो कंजाइनर के हिसाब से रहा है तो इनकम हो गई। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है आपने, ट्रेडिंग मैंने फाइनल अकाउंट में भी दिखाया था, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बचा हुआ स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाय में आता है इनकम वाली साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से माइनस होता है, डेबिट साइड से माइनस होने का मतलब क्रेडिट इफेक्ट, तो ये भी इनकम है। तीन तरह की इनकम है, जल्दी बताओ कौन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, टोटल सेल, ये तीन इनकम है। और पांच तरह के खर्चे होते हैं, पहला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो उसने कंसाइनमेंट में गुड्स भिजवाए वो खर्चा, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर ने जो खर्चा करा, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंजाइनी ने जो खर्चा करा, याद रखना यहां पर दोनों लेने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, फिर कमीशन जो आप कंजाइनर ने कंजाइनी को देनी है, और आखिरी में बैड डेप्ट अगर कोई हुआ तो। मतलब ये तीन तरह के इनकम है, पांच तरह के खर्चे हैं, इनकम में से खर्चा हटा दो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, दैट्स ऑल। इनकम में से खर्चा हटा दो, हटाओ, चलो डालता जाता हूं सारी चीजें। टोटल सेल ये कहां से पता लगेगी? कमीशन वाले नोट से देखो, टोटल सेल थी हमारे पास, टोटल सेल कितनी की हमारी? 20 लाख। और डाल दे, सब कुछ है मेरे पास, बस मुझे उठा के डालना है। टोटल सेल 20 लाख, क्लोजिंग स्टॉक मैंने नोट नंबर आई गेस 3 से निकाला था, नोट नंबर 3 में क्लोजिंग 201250, 201250 ये मैंने नोट नंबर 2 से निकाला था। एबनॉर्मल लॉस 193250, गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट, ये तो यहां से देख लेता हूं, कंजाइनमेंट में 18,75,000 ये हमने गुड्स भिजवाए थे। कंजाइनर का खर्चा, कंजाइनर ने खर्चा करा था 57,500, कंजाइनी का, और दोनों लेने हैं 72,000 प्लस 10, 82 डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लेने हैं, हालांकि क्लोजिंग निकालते समय हमने खाली डायरेक्ट लेते हैं यहां दोनों। कमीशन का खर्चा नोट वन में निकाले थे हमने 1,00,000 रुपए। बैड डेट, हमारे क्वेश्चन में बैड डेट हुआ था, एक कस्टमर जिसको हमने गुड्स उधार पे बेचे थे 25, कॉस्ट ऑफ 25 नॉट पे, कॉस्ट ऑफ 25 शर्ट, 25 शर्ट के पैसे नहीं दे रहा हमें वो, 25 शर्ट के पैसे 500 के हिसाब से हमारे भेजा था उसमें बैड डेट, 25 यूनिट 500 के हिसाब से हमारा बैड डेट होगा 12,500। ये अगर हमने डेल कार्डर दी होती ना तो हमें नुकसान नहीं होता, तो फिर मैं ये माइनस नहीं करता, तब डैश डाल देता। देखिए 20,00,000, 201250, 193250 माइनस 1875 माइनस 57,500 माइनस 82,000 माइनस 1,00,000 माइनस 12,500, मेरा आंसर आ रहा है 2,67,500 पॉजिटिव, यानी ये प्रॉफिट है। देखो मैंने कोई लेजर नहीं बनवाया, 99% क्या 100% कोई भी टीचर आपको कंजाइनमेंट का चैप्टर पढ़ाएगा ना वो पागलों की तरह जनरल एंट्री में रटाने बैठ जाएगा। मैं भी जनरल एंट्री पर फोकस करता हूं, रेक्टिफिकेशन में चैप्टर में दिखाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिखाया, डेप्रिसिएशन में दिखाया, लेकिन इसमें नहीं करता। इस चैप्टर में ना जनरल एंट्री पे अननेसेसरी फोकस करने की जरूरत नहीं है, मेन है इसके नोट्स। अगर आपको ये नोट्स बनाने आ गए, अगर आपको ये कमीशन निकालनी आ गई, क्लोजिंग निकालना आ गया, एबनॉर्मल निकालना आ गया, तो प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान है। ये नोट मैंने कैसे बनाया प्रॉफिट का, देखो तीन तरह की इनकम है, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा था, टोटल सेल, क्लोजिंग, एबनॉर्मल। टोटल सेल मुझे मालूम है, कमीशन के नोट से पता लग गई, क्लोजिंग मुझे मालूम है, एबनॉर्मल मुझे मालूम है, सब कुछ तो मुझे पता है कौन सी चीज कहां है, उठा के डालनी तो है। तीन तरह की इनकम, टोटल सेल, क्लोजिंग, एबनॉर्मल।
पांच तरह का टोटल एक्सपेंस, कौन कौन से पांच तरह का एक्सपेंस, गुड सेंट जो किया, कंजाइनर के खर्चे, कंजाइनी के खर्चे, कमीशन और बैड डेट, ये करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको लेजर से मैच करके देखो, सेम आंसर होगा 267,500। ये देखो 267,500 आपके सामने, देख लो मैंने कोई लेजर नहीं बनाया, बिना लेजर बनाए मैंने सारा का सारा प्रॉफिट निकाल दिया आपके सामने, बिना लेजर बनाए प्रॉफिट निकाला मैंने, बिना लेजर बनाए। और मार्केट में कोई ऐसा माइकल आर टीचर नहीं है जो ऐसा करता है, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, कोई ऐसा टीचर नहीं है, सर हर कोई लेजर बनाने पे फोकस देता है, जर्नल एंट्री बनाने पे फोकस देता है, जिसकी जरूरत ही नहीं है यार। आप बताओ मैंने कोई जर्नल एंट्री डाली अभी तक, कोई लेजर बनाया, जरूरत नहीं है मुझे, मैं बिना लेजर बनाए प्रॉफिट निकाल सकता हूं। अब करूंगा मैं ये काम लेजर बनाने वाला, आओ दिखाता हूं। और लेजर बनाना इतना आसान है, आप कहोगे सर अच्छा हम तो लेजर करते रहते थे, बाबू लेजर करते रहते थे तभी तो दिक्कत आती थी, मैं दिखाता हूं आपको लेजर बनाना कितना आसान है। इन दी बुक्स ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर की किताबों में, चलो हमारे केस में कंजाइनर कौन है भैया, कंजाइनर है आर, आर एंड कंपनी, आर एंड कंपनी। आपको दो लेजर बनाने हैं इसमें, पहला बनाना है कंजाइनमेंट अकाउंट, बाबू ये एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट होता है और सॉरी डेबिट साइड में एक्सपेंस होते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होता है। ये है आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहां एक्सपेंस, यहां इनकम। अब आपने मेरा वो प्रॉफिट वाला नोट देखा था ना, बस उसको उठाओ और इसमें पोस्ट करते जाओ। बताओ इनकम में तीन इनकम होती थी, जल्दी बताओ क्या, टोटल सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, डाल दो भाई इनकम वाली साइड में डाल दो। तीन चीजें बताई मैंने आपको, क्या टोटल सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। सेल किसने करी है, कंजाइनी ने, तो कंजाइनी का नाम लिखो ना, जिंग, जेड एन कंपनी कर देता हूं। चलो बाय जेड एंड कंपनी ब्रैकेट में सेल 30 लाख की सेल, क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं पे आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक और बाय एबनॉर्मल लॉस। भाई क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 201,250, 193,250। देखो मैंने इनकम तीनों यहां डाल दी, यहां डेबिट में खर्चे, पांच खर्चे लिखवाए थे मैंने वहां पर। सबसे पहला खर्चा था टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, कंजाइनमेंट में माल गया था 18,75,000 का। फिर था कंजाइनर का खर्चा जिसको मैं लिखूंगा बैंक के नाम से, बताओ क्यों, कंजाइनर का खुद का जो खर्चा है वो तो बैंक से जाएगा ना भाई, कंजाइनर का बैंक से, ओ मैं डैश बुला रहा हूं, कंजाइनर का खर्चा कितना था भाई, कंजाइनर का खर्चा, कंजाइनर का खर्चा 57,500। फिर टू में कंजाइनी का खर्चा, कंजाइनी का नाम क्या है, जिंग, तो जिंग एंड कंपनी ब्रैकेट में कंजाइनी एक्सपेंस, उसने करा था 82,000 का खर्चा शायद, हां जी। फिर कमीशन, कंजाइनी को कमीशन देनी है, टू जेड एंड कंपनी ब्रैकेट में कमीशन 1,00,000 भाई की कमीशन। और बैड डेट हुआ वो भी जेड एंड कंपनी के नाम से, पता है क्यों, सेल के लिए आपने किसका नाम लिया, कंजाइनी का, तो बैड डेट के लिए भी आप किसका नाम लोगे, कंजाइनी का। लो जी खत्म, इसको बंद कीजिए, आपका बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना आया था, 267,500 आया था शायद, हाँ 267,500। देखो मैंने क्या,
मैंने आपको लेजर बाद में बनाना दिखाया, पहले ये वाला नोट दिखाया, इस नोट को फोकस कर लो, लेजर अपने आप बन जाएगा। तीन तरह की इनकम है, कौन कौन सी तीन तरह की इनकम है बताओ जल्दी, टोटल सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, ये तीनों ने नोट में निकाल रखा है। फिर एक्सपेंस कितने तरह के हैं, पांच, पहला गुड्स सेंट, कंजाइनर के खर्चे, कंजाइनी के खर्चे, कमीशन और बैड डेट। अब मैंने जो इनकम है उसे क्रेडिट में डाल दिया, जो खर्चे हैं उसे डेबिट में डाल दिया। तीन इनकम थी, पहली कौन सी, सेल, मैंने सेल को किस नाम से डाला, कंजाइनी के नाम से, है तो सेल ही ना। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा एबनॉर्मल लॉस। डेबिट में खर्चे होते हैं पांच, पहले डाला गुड्स सेंट, दूसरा कंजाइनर के खर्चे बैंक से क्योंकि खुद देगा, तीसरा कंजाइनी के खर्चे कंजाइनी के नाम से, कमीशन कंजाइनी के नाम से, बैड डेट कंजाइनी के नाम से, आंसर आ गया। मैच करके देख लो आप इसको, देखो लो जी, बाय में जिंग एंड कंपनी, हमने भी लिखा है जिंग एंड कंपनी, उन्होंने बैक डेट माइनस करके नेट दिखाया, हमने पूरा दिखाया, अलग अलग करके दिखा दिया, उन्होंने नेट दिखा दिया। देखो इन्होंने ये कैश सेल, क्रेडिट सेल अलग अलग दिखाई, जोड़ लो इसको 20 लाख ही बोलेंगे, फर्क नहीं पड़ता। एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक हमारा वाला आंसर, इधर आप गुड्स सेंड दिया, कंजाइनर के खर्चे, कंजाइनी के खर्चे, कमीशन, बैक डेट, आंसर मैच हमसे बिल्कुल। दूसरा लेजर कौन सा बनाया इन्होंने, कंजाइनी का लेजर बनाया, और हम भी बना देते हैं। अब आपको दूसरा लेजर जो बनाया ना वो देख के और हंसी आएगी, ये तो हंसी आई होगी क्योंकि मैंने सारा वहीं से उठाया है। दूसरा लेजर आपको बनाना है मेरे साथ जिंग एंड कंपनी का, जेड एंड कंपनी का लेजर बनाना है आपको। अच्छा सर लेजर ऐसे नहीं बनाते हैं, हमें तो पता ही था, हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी, कितना आसान है लेजर बनाना। इस चैप्टर में लेजर बनाना मुश्किल नहीं है, और 99% टीचर लेजर के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोपी कि लेजर बनाओ, लेजर बनाना सिखाते रहते हैं। लेजर मत सीखो, कंसेप्ट सीखो, नोट्स कैसे बनाए हैं मैंने वो देखो। अब आपको ये दूसरा लेजर बनाना है कंजाइनी का, यानी जेड एंड कंपनी का, कंजाइनर की किताबों में कुछ मत करो, ऊपर जहां जहां जेड एंड कंपनी का नाम आ रहा है नीचे पोस्ट कर दो, बताओ यहां पे पहले बाय जेड एंड कंपनी आ रहा है तो जेड एंड कंपनी के लेजर में टू में आ जाएगा, डाल दो टू कंजाइनमेंट, भाई कंजाइनमेंट में बाय जेड था तो जेड में टू कंजाइनमेंट होएगा ना, 20 लाख रुपए। यहां पे देखो तीन बार आ रहा है टू जेड, तो जेड में क्या, देखो तीन बार आ रहा है ना टू जेड, तो जेड में क्या आ जाएगा बताओ, बाय कंजाइनमेंट, तीन बार बाय कंजाइनमेंट, बाय कंजाइनमेंट, या तो तीन बार बाय कंजाइनमेंट लिखो, या एक बार बाय कंजाइनमेंट लिख के तीनों की अमाउंट जोड़ लो, या एक बार बाय कंजाइनमेंट लिख के अंदर लिख लो, किस चीज का है ये, चल तीन बार था, कितना 82,1,12,500। इस लेजर को बंद करेंगे आप बैंक के नाम से, बट इस क्वेश्चन में कुछ उसने बोला था 2.5 लाख का एडवांस दिया, बताओ कंजाइनर को एडवांस मिलेगा एंट्री बैंक टू जेड, जेड के लेजर में बाय बैंक 2.5 लाख का एडवांस मिला। इस लेजर को बंद कीजिए, बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक बैलेंसिंग, जो उसने पैसा भिजवाया होगा, कंजाइनी ने 20 लाख रुपए की सेल करी, 20 लाख रुपए उसके पास पड़े हैं, उसने अपने 82,000 खर्चे के काटे, 1 लाख कमीशन के काटा, 12,500 उसने बैड डेट का काटा, और 2.5 लाख जो उसने हमें पहले दिए थे वो काटे, बाकी बचे हुए 15,55,500 रुपए को भिजवा देगा, सिंपल। मतलब कंजाइनी का लेजर बंद करोगे तो बैलेंसिंग फिगर बैंक के नाम से डालना, ये देखो बाय बैंक 15,55,500 हमारा आंसर, देखो भैया 15,55,500। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपस इतना बता दो, क्या लेजर बनाना मुश्किल है क्या यार? नहीं, लेजर बनाना मुश्किल नहीं है, मेन है कैलकुलेशंस करना, नोट्स बनाना। अगर आपने ये नोट्स ढंग से बना लिए थे, कमीशन का, एबनॉर्मल का, क्लोजिंग का, प्रॉफिट का, बस इसे उठा के पोस्ट ही तो करा है मैंने, और करा क्या है, लेजर बनाना मुश्किल नहीं है भैया, मेन कहानी है नोट्स पक्के करना, अगर नोट्स पक्के हैं तो ये कहानी आसान है, खत्म हो गया नहीं। एग्जाम्पल नंबर 12 है,
चलिए आगे बढ़े फिर 13 पे आइए। चलो जी फिर से 13 देखते हैं। एल लिमिटेड मुंबई ने कंजाइन करे 1000 बैलर ऑयल 800 पर बैलर का सेंट्रल एंड कंपनी को। तो भैया एल कंपनी हो गई कंजाइनर और ये सेंट्रल हो गया भैया कंजाइनी। याद रखना 1000 यूनिट गए हैं और 800 पर के हिसाब से, ठीक है जी। कलकत्ता एल लिमिटेड ने 50,000 फ्रेट के दिए एंड इंश्योरेंस के, कंजाइनर के खर्चे डायरेक्ट। 25 बैरल का डिस्ट्रॉयड हो गए ऑन एक ड्यूरिंग ट्रांजिट, भाई एबनॉर्मल लॉस हो गया जी ये तो। इंश्योरेंस कंपनी आपको 15,000 का क्लेम दे दिया। याद रखना इस चैप्टर में अगर आपको एबनॉर्मल लॉस के साथ क्लेम मिल जाए तो प्लीज उसे कंसीडर मत करना। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहा ना, क्लेम दे दिया 15,000 का, भैया हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्लेम भी मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन इस चैप्टर में क्लेम को कंसीडर मत करना। बिकॉज क्लेम ना डायरेक्टली पीएनएल में जाता है तो उसका कंजाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपका लॉस हुआ कोई एबनॉर्मल नेचर का और कोई क्लेम आ रहा है तो उसे कंसिडर मत करना, मैं ये बोल रहा हूं। चलो आगे देखें। सेंट्रल कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ कंजाइनमेंट, भैया 1000 में से 25 खराब हुए, 975 पहुंचोगे और उन्होंने इसके ऊपर बीआर डाला है 5,00,000 रुपए का। इसको दिखा दूंगा क्या फर्क पड़ता है। 750 बैरल उन्होंने बेचे 1500 के हिसाब से, वेरी नाइस। खर्चा कला क्लियरिंग चार्जेस गोडाउन रेंट वेजेस, मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट है और ये दोनों इनडायरेक्ट है। वेजेस मुझे बताया नहीं किस लिए दिया और ये भी इनडायरेक्ट है, सॉरी, वरना वेजेस को मैं डायरेक्ट मान सकता हूं बट मुझे ये नहीं मालूम ना वेजेस किस लिए दिए। चलो छोड़ो, 25 बैरल जो है वो लीक हो गए और ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। सेंट्रल कंपनी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन सेल। सेंट्रल कंपनी पेड दी अमाउंट ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कंजाइनमेंट इटसेल्फ, आपसे कह रहा बाकी सारा सामान भिजवा दिया। अब इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल भी है, क्लोजिंग भी है, नॉर्मल लॉस भी है, प्रॉफिट भी निकालना है, सब कुछ करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फिर वही सब नोट बनाएंगे। अगर आपने नोट्स ढंग से बना लिए तो कहानी आसान, और नोट्स ही ढंग से नहीं बनाए तो फिर कहानी मुश्किल। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब मेरे पास कैश सेल क्रेडिट सेल की अलग अलग जानकारी नहीं है तो मैं सीधा टोटल सेल लिख रहा हूं। मुझे क्वेश्चन ने बताया 750 यूनिट बेचे 1200 के हिसाब से, 750 यूनिट इंटू 1200 9,00,000 रुपए की टोटल सेल करी। और कमीशन में नॉर्मल ही है, डेलकार्डर ओवरराइडिंग तो नहीं है, नॉर्मल कमीशन है 5%, जितनी सेल करी उसकी 5% सीधा नॉर्मल कमीशन। ये नॉर्मल कमीशन है। चलिए जी पहला काम तो हुआ हमारा खत्म। नोट नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस हुआ था भैया 4 मिनट। कैसे बनाते थे एबनॉर्मल लॉस का? पर्टिकुलर यूनिट शुरुआत कैसे करते थे बताइए। गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट कितनी यूनिट भिजवाई थी भाई?
यूनिट भिजवाई थी 1000 बैरल 800 के हिसाब से, 1000 बैरल 800 के हिसाब से मतलब 8 लाख, और 1000 बैरल है यानी 1 लाख बैरल का भी, 1000 बैरल 800 के हिसाब से मतलब 8 लाख बैरल। अब इसमें ऐड करते थे एक्सपेंस अप टू लॉस, अब लॉस हुआ रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो कंजाइनर के खर्चे हुए होंगे, कंजाइनर ने 50,000 का खर्चा करा खाली, बस 50,000 का। चलिए जी टोटल कर लेते हैं इसी बात में, 1000 यूनिट की वैल्यू अब हो गई 8.5 लाख। चलिए जी अब नॉर्मल लॉस निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में एबनॉर्मल लॉस यूनिट, टोटल अमाउंट 850,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट मल्टीप्लाई, 1000 यूनिट में से कितनी यूनिट खराब हो गई है, 25 यूनिट खराब हुई, 25 बैरल पर स्क्वायर। आठ लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 25 21,250 का हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया। ऐसे निकालते थे याद होगा आपको, आओ क्लोजिंग स्टॉक निकाले, फॉर्मेट सेम है यार, बस आपको कहानी को धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए और फॉर्मेट बनाते जाइए, सेम फॉर्मेट से कहानी चलती रहेगी। पहले यूनिट ढूंढ लेता हूं कितनी ना उसकी, चलो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ढूंढ लेता हूं भाई, 1000 यूनिट चली थी, 25 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया, 750 यूनिट सोल्ड हो गई, 1000 चली थी 25 खराब हो गई, 750 बिक गई और 25 और खराब हुई बाद में, नॉर्मल नॉर्मल लॉस। तो 200 यूनिट अभी भी बची हुई है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, शुरुआत कैसे होती थी बताइए, सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 1000 यूनिट भिजवाई 800 के हिसाब से 8 लाख, इसमें ऐड करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं 50,000 के थे, ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी, कंजाइनी भैया के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं 11,250, बाकी और हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, 11,250 माइनस करते थे एबनॉर्मल लॉस, यूनिट में 500 और यूनिट में 25, यूनिट में 25 अमाउंट में 21,250 माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस, यूनिट में 25 और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती, टोटल 1000 माइनस 25 माइनस 25 इज 950 यूनिट की वैल्यू 850 प्लस 11,250 8,10 प्लस 11,250 माइनus 21,250 840। आइए क्लोजिंग स्टॉक निकालें, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट इनटू में क्लोजिंग स्टॉक,
8,40,000 अगर 950 यूनिट की वैल्यू है तो 200 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? मेरा आंसर आ रहा है 176842, 176842, 176842 पूछेगा रहा है। चलिए मेरा तीसरा नोट भी तैयार, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 और आखिरी नोट, नोट नंबर 4, प्रॉफिट ऑफ कंजाइनर। आप कंजाइनर का प्रॉफिट निकालो, तरीका आपको याद होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, 3 तरह की इनकम, 5 तरह के खर्चे। तीन तरह की इनकम, 5 तरह के खर्चे। इनकम पहले बता दीजिए, इनकम में आती थी पहले टोटल सेल, फिर क्लोजिंग स्टॉक और फिर एबनॉर्मल लॉस। ये मेरी 3 इनकम है। एक्सपेंस के अंदर 5 आते थे, पहला गुड्स सेंट, दूसरा एक्सपेंस ऑफ कंजाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंजाइनी बोथ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और कमीशन, एंड लास्ट वन इज पैट अगर कोई हो तो। याद है ना? चलिए आइए डालते जाते हैं। सबसे पहले टोटल सेल, कमीशन वाले नोट से देखते हैं टोटल सेल का है। कमीशन वाले नोट में टोटल सेल थी 9 लाख रुपए की, टोटल सेल इज 9 लाख रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक नोट नंबर 3 में था हमारा 176842। एबनॉर्मल लॉस नोट नंबर 2 में था हमारा 21250, 21250। गुड सेंट हमने करे थे 8 लाख रुपए। एक्सपेंस कंजाइनर के थे 50,000, कंजाइनर के तो एक ही थे वो भी डायरेक्ट ही थे। अबे यार कंजाइनी के देखने पड़ेंगे कितने थे। कंजाइनी के देखने पड़ेंगे भाई, कंजाइनी के सारे लेने 11,250 डायरेक्ट, प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20, 71250, 71250 50 है ना। कमीशन नोट 1 में पता लगेगा 45,000। कमीशन 45,000, बैड डेट कुछ हुआ ही नहीं। मैं देख लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। 9 लाख प्लस 176842 प्लस 21250 माइनस 8 लाख माइनस 50,000 माइनस 72250 माइनस 40,000, तो मेरा आंसर आ रहा है 131842 पॉजिटिव, यानी प्रॉफिट है 131842। मैच कर लेते हैं भाई 131842, ये लीजिए मेरा आंसर एज इट इज मैच कर रहा है। 131842 इज द प्रॉफिट, और ये मैच कर रहा है 131842।
मेरा आंसर 131842 मेरा भी आ रहा है सेम, बट मैंने कोई लेजर वेजर नहीं बनाया, मैंने बिना लेजर के निकाल दिया ऐसे। लेजर अब बना देता हूं, आपने चीज देखी ना, लेजर नहीं हो सकती, बिना लेजर के भी कहानी हो सकती है अगर आपको नोट्स आते हैं। पता है आपको, मैं ये आपके सामने तो फिर भी मैं कैलकुलेटर इस पे कर रहा हूं ना, नोट्स में मैं ये सारा काम कैलकुलेटर पर कर सकता हूँ, सारा काम कैलकुलेटर पर सॉल्व करके बड़े आराम से आंसर बता सकता हूँ आपको क्या आएगा बिना कुछ भी करे। बट चलो आपको तो सिखा देंगे, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर का नाम क्या भाई, एल दो लेजर बनाने होते हैं, एक कंजाइनमेंट अकाउंट ये एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिट में सारी इनकम, डेबिट में सारे खर्चे। इनकम बता तीन कौन कौन सी थी, पहली सेल, सेल तो कंजाइनी के नाम से है यार, कंजाइनी के नाम से क्या है, सी बाय सी एंड कंपनी ब्रैकेट में सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय एबनॉर्मल लॉस। चलो भैया आपने नोट से देखना पड़ेगा, 9 लाख की सेल 176842 21250 था शायद नॉर्मल लॉस, हाँ सही है। खर्चे बना सबसे पहला था टू गुड्स सेंट, टू में बैंक यानी कंजाइनर का एक्सपेंस बैंक के नाम से ही आएगा, टू सी एंड कंपनी कंजाइनी का एक्सपेंस, टू सी एंड कंपनी कमीशन, टू सी एंड कंपनी बैड डेट अगर कोई होता तो, है ना जी। ये तो पांच आ गए, तीन पांच आ गए। गुड सेंड कितने के करे थे हमने, 8 लाख रुपए के। कंजाइनर का खर्चा था 50,000, कंजाइनी का था 712502 712502 कमीशन थी 45,000, बैड डेट कुछ नहीं, इसको बंद करिए। टू प्रॉफिट निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर कंजाइनमेंट अकाउंट। एक लेजर और बनेगा सी एम कंपनी का, सी एंड ये तो बनाना और आसान है, क्यों, बस आपको इससे ऊपर चढ़ाना है। यहाँ पे बाय सीएम कंपनी है तो यहाँ आ जाएगा टू कंजाइनमेंट 9 लाख रुपए, वहां पे ऊपर तीन बार आया टू सीएम कंपनी, एक बार तो नहीं ना, तो बाय कंजाइनमेंट बाय कंजाइनमेंट। यहाँ पैसे लिखे तो बाय कंजाइनमेंट लिखे ना, एक्सपेंस और कमीशन मर्जी आपकी, दो बार बाय कंजाइनमेंट लिख लो,
7,1,250 और 50,000 कोई एडवांस 50,000 45,000 कोई एडवांस तो नहीं दिया वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2.5 लाख का एडवांस था, इसमें एडवांस 5 लाख रुपए का एडवांस है, लेकिन बीआर दिया, बीआर बाय बैंक की जगह बाय बीआर, 5 लाख रुपए का बीआर आया हुआ है ऑलरेडी, तो बचा हुआ बाय बैंक निकाल दो जो ये पैसा और भिजवाएगा। चलो सीएन कंपनी के पास यानी कंजाइनी के पास 9 लाख रुपए हमारे सेल के पड़े हैं, 7,1,250 हमारे पास कमीशन, उसने एक्सपेंस के काटे, 45,000 कमीशन के काटे और 5 लाख में पहले भिजवा चुका है, 283,750 हमें वो और भिजवाएगा, 283,750 ये लीजिए मैच हो गया हमारा, 283,750 इतना पैसा ही हमें और भिजवा देगा, दैट्स ऑल सिंपल, कुछ इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, 283,750। आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आई। इनके नोट देखो, देखो इनका अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक का नोट है 176842, देखो इनका 176842, हमारा नोट देखो, हमारा भी सेम यही है 176842, मेरा नोट भी यही है, सेम नोट है 176842 जो उसका आया, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन और इसकी प्रेजेंटेशन देखो कितना अंतर है, अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से कराया उसने और मैंने बिल्कुल अलग तरीके से करा है। कहां घुमा फिरा के आप कैसे भी कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, मेरा तरीका थोड़ा ज्यादा बेटर है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 इसके बाद आती है इनवॉइस प्राइस की ट्रीटमेंट जो हम करेंगे अगली कक्षा में, आशा करता हूं समझ में आया होगा, गुड नाइट शुभरात्रि शुभ।